और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और हम खबरों का रुख करेंगे। बात करेंगे अशोकनगर की। अशोकनगर में शाढ़ोरा रेलवे फाटक पर एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल रेलवे का गेटमैन फाटक बंद करना भूल गया और इंदौर जाने वाली स्लीपर बस बीच फाटक पर आकर खड़ी हो गई और दोनों ओर से ट्रेन को आता देख ड्राइवर ने बस वापस रिवर्स में ली और इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। रेलवे ट्रैक पर दोनों ओर से मालगाड़ियां आ रही थीं और लोगों ने फाटक पर हंगामा किया और हंगामा होता देख गेटमैन ने जल्द ही गेट को बंद कर दिया। तो शाढ़ोरा और अशोकनगर के बीच शाढ़ोरा रेलवे क्रॉसिंग की पूरी घटना बताई जा रही है और इस वक्त गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई हादसा नहीं हुआ है, वरना ना जाने कितने लोगों के जान दांव पर लग जाती। तुरंत ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और बस को पीछे उसने रिवर्स कर लिया और इस दौरान एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। हालांकि यहाँ पर मौजूद लोगों ने जमकर विवाद किया, हंगामा किया, उसके बाद गेटमैन ने गेट बंद किया। एक बहुत बड़ी लापरवाही। हालांकि बड़ा हादसा टला है, दोनों तरफ से मालगाड़ियां आ रही थी लेकिन उस दौरान बाल बाल सभी लोगों की जान बची। और कई बार इस तरह की घटनाओं पर हालांकि ये गनीमत ये रही कि कोई हानि यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन अमूमन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मानव रहित जो क्रॉसिंग्स हैं वहाँ और जहाँ मानव मौजूद है तो वहाँ भी अगर इस तरह की गलती होगी तो स्वाभाविक है कि इस मामले में घोर लापरवाही यहाँ सामने आई है और इसके लिए कार्रवाई की भी आवश्यकता है और तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी रेलवे विभाग को सुनिश्चित करना होगा। और बढ़ते आगे, कोरबा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहाँ एक कन्या आश्रम के 16 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। खाना खाने के बाद सभी की हालत बिगड़ गई। बच्चों को 108 की मदद से कटघोरा के उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। यहां पहली कक्षा से पांचवी तक के बच्चे पढ़ते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार सभी बच्चों की हालत अब सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें कि पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के कटोरी नगोई गांव में ये कन्या आश्रम मौजूद है और बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोरबा से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। फिलहाल बच्चों की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। 16 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और बात करेंगे हमारे सहयोगी अब्दुल असलम से। अब्दुल, पता चल पाया कि आखिर क्या कारण था फूड पॉइजनिंग का? जी, आपको बता दूं कि ये जो है पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के कटोरी नगोई गांव में जो संचालित है कन्या छात्रावास आश्रम में, जहां ये घटना सामने आई है बीती रात को, और भोजन के बाद अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी है 19 करीब बच्चों की और इनको अस्पताल में कटघोरा अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन जो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भोजन में आखिर क्या खाया था, जिसको लेकर हालांकि आदिवासी विकास विभाग द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर उसने भोजन में क्या खाया था और किस कारण से ऐसी हालत निर्मित हुई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये स्पष्ट नहीं कि इन बच्चों ने क्या खाया था जिस वजह से तबीयत खराब हुई है। हालांकि सभी बच्चों की जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खाना खाने के बाद अचानक से इन सभी बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। कोरबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी को भर्ती किया गया, जहां पर परिजन भी पहुंचे और डॉक्टर ने बारी बारी से सबका इलाज किया। स्पष्ट नहीं है कि इन्होंने क्या खाया था जिस वजह से इनकी तबीयत खराब हुई है। और अब तस्वीरें दिखाते हैं उस महिला की जो स्कूटी के साथ दुकान में जा घुसी। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज कांकेर के बस स्टैंड का बताया जा रहा है और जिसमें ये दिखाई दे रहा है एक महिला स्कूटी पर से नियंत्रण खो देती है और सीधा वो एक ढाबे में जा घुसती है और वहां से फिर लोग जान बचाकर भागते हैं। नियंत्रण पूरी तरह से खो गया था और मोमोज की दुकान में ये महिला घुस जाती है और जिस वक्त ये हादसा हुआ दुकान में कई ग्राहक भी मौजूद थे और सभी अपनी जान बचाकर भागे और ये देखिए किस तरह से स्कूटी को आता देख सभी उठकर भागे। भागो भागो स्कूटी आई, गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आए वरना ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। कांकेर से सामने आई तस्वीरें और ये देखिए दुर्घटना के दौरान की तस्वीरें। महिला का स्कूटी पर से नियंत्रण खो गया और उस वक्त उसके विवेक ने काम नहीं किया कि आखिर कैसे स्कूटी को रोका जाए। हालांकि पैर से कोशिश को कर रही है स्कूटी को रोकने की, लेकिन एक्सीलेटर दिए होने की वजह से स्कूटी रुक नहीं पाई। संभव है उस वक्त जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कई बार वो ड्राइविंग के वक्त बहुत ज़रूरी होता है और आप देखिए पैरों से उसने पूरा प्रयास किया स्कूटी रोकने का, लेकिन एक्सीलरेशन होने की वजह से स्कूटी रुक नहीं पाई। सीसीटीवी वीडियो इस पूरे मामले का सामने आया है और देखिए मोमोज वाला भी जान बचाकर पीछे भागा और जो लोग वहां पर उठकर बैठे थे वो भी बेतहाशा
बेतरतीब उठकर भागे और स्लो मोशन में भी तस्वीरें देखिए आप, लोगों पे घबराहट साफ दिखाई दे रही है। और बढ़ते आगे, गरियाबंद में दतैल हाथी की दहशत देखने को मिली, जहां महासमुंद जिला से फिर गरियाबंद में ये दतैल हाथी पहुंच गया है। तो ये हाथी अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। दंतैल हाथी से ग्रामीणों में दहशत है। हाथी के डर से ग्रामीण रात भर जागते रहे। वन विभाग की रात भर मुनादी वन विभाग भी करवाता रहा। वन विभाग ने 20 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है और ये दंतैल हाथियों की जो दहशत है वो इलाके में इस वक्त बनी हुई है। हालांकि गरियाबंद के आसपास के इलाकों में ये डर हमेशा बना रहता है, लेकिन इस वक्त जो रिहायशी इलाका है उन इलाकों में हाथियों ने दस्तक दी है। देर रात की तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें किसी ग्रामीण ने बनाई या फिर वन विभाग की टीम ने बनाई और मुनादी करवाई जा रही है। आसपास के 20 गांव ऐसे हैं जो कि इनकी आमद से परेशान हैं और कई लोगों की जान भी ये हाथी ले चुके हैं, हमला कर चुके हैं, कई लोग जख्मी हो चुके हैं। और एक बार फिर से हाथियों की दहशत इलाके में बरकरार है। और रिनू, इस तरह के मामलों में कई बार ये देखा गया कि इस तरह के जो अकेले हाथी विचरण कर रहे होते हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये दल से निकाल दिए गए वो हाथी होते हैं जिसमें जो दल के प्रमुख हैं वो इन्हें लापरवाह या फिर इन्हें दल के लिए खतरनाक बताकर इन्हें दल से बाहर निकाल देते हैं और इस बात से आहत ये हाथी कई बार लोगों पर हिंसक हो जाते हैं, हमलावर हो जाते हैं। बात करेंगे शेख इमरान, हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। इमरान, ये अभी क्या और कैसी लोकेशन बताई जा रही है, किस जगह हाथी मौजूद है, वन विभाग क्या एहतियाती कदम उठा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा क्या कहा जा रहा है इस बारे में? जी देखिए, जो दंतैल हाथी है ये लगातार महासमुंद और गरियाबंद जिले में इसका आना जाना है और आज जो है फिर ये महासमुंद जिला से गरियाबंद जिला के पिंगेश्वर वन परिक्षेत्र में पहुंच गया है। देखिए, हाथी के आने से दहशत इस कदर बना हुआ है ग्रामीणों के कि रात में अगर हाथी आया तो रात भर ग्रामीण इस जगह किया और रात भर जो है वन अमला ने गाँव गाँव जाकर मुनादी करते रहा, क्योंकि ये जो हाथी है ये कई लोगों की जान ले चुका है और हाल ही में 3 दंतैल हाथी आया था तो चोरित में एक की जान ले चुका है। इस वजह से लोगों में ये दहशत बरकरार है और यही वजह है कि हाथी आने के बाद जो अब इसका लोकेशन है ये गुंडरदेही, सिंहेश्वर वन परिक्षेत्र के गुंडरदेही की सरकड़ा की ओर आगे ये बढ़ रहा है। इसको देखते हुए एहतियातन के तौर पर बनगवा, तरजुंगा, चोरित, कुर्द सहित 20 से अधिक गांव में वन अमला ने जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया है और गजराज वाहन जो है इस हाथी को ट्रैक करने के लिए इसके पीछे पीछे जा रही है। लेकिन हाथी बहुत ज्यादा खतरनाक है, यह जो है कभी भी किसी गांव में घुस जाता है और वहां आतंक मचाता है। तो इसको देखते हुए जो सुबह से जो खेती किसानी का काम करते किसान उन्हें खेत जाने के लिए मना किया जा रहा है, जो जंगल जाते हैं किसान जो जंगल जाते हैं ग्रामीण उन्हें जंगल जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी ये हाथी आक्रामक आक्रमण कर सकता है, ये हिंसक है और इसी वजह से एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इमरान, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।